हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन क्रिएटिविटी में। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घूगनी की रेसिपी। ये एक बंगाली रेसिपी है, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के लगभग मटर को रात भर के लिए धोकर पानी में भिगो कर रख दिया था, और मॉर्निंग में इसे मैं अब बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर छान के सारे मटर को निकाल लिया है एक कुकर में, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 गिलास के लगभग पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और 2 हरी मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगा के इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। आप अपने हिसाब से कुकर की सीटी लगाएं, क्योंकि मटर की क्वालिटी कभी कभी अलग टाइप की होती है, क्या पता 5 सीटी में भी बनती है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 सीटी में ही मेरे जो मटर है वो पक कर रेडी हो गए हैं। अब हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो दूसरी तैयारी में मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 10 से 12 कली लहसुन की ली है मैंने, और 2 इंच टुकड़े के जितना मैंने अदरक लिया है, और इसे मैं डाल दूंगी ग्राइंडर में पीसने के लिए। अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 छोटे आलू ले रखे हैं, जिसे मैं मीडियम साइज में कट कर लूँगी। और 2 प्याज लिए हैं बड़े आकार के, जिसे मैं कट कर लूँगी बारीक कट, और 1/2 प्याज मैं उठा कर रख दूँगी, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे भी मैं कट कर ले रही हूँ। अब चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है 3 तेज़पत्ता, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, और 10 से 12 काली मिर्च, और यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग धनिया लेना है, साबुत धनिया। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मैंने पाउडर लिया हुआ है, आप 1 चम्मच साबुत धनिया लें। और 5 छोटी इलायची लें, तो मेरे पास छोटी इलायची भी नहीं थी तो मैंने पाउडर लिया है उतना ही, और 1 चम्मच जीरा। तो इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, जहाँ मैं सिर्फ इलायची और धनिया पाउडर है मेरे पास, इसीलिए वो मैं अभी नहीं डाल रही। अगर आपके पास साबुत है तो आप इसी टाइम पे उसे डालिएगा और अच्छे से भून लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इन खड़े मसालों को अच्छे से भून चुकी हूँ। अब मैं एंड में ये धनिया पाउडर और इलायची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साबुत नहीं था। अगर मैं पहले डालती इस पाउडर को तो ये जल जाता, इसी वजह से इसे मैं एंड में डाल रही हूँ। और थोड़ा सा सेकंड के लिए भून के इसे मैं गैस को ऑफ कर दूँगी, और मीडियम ठंडा होने के बाद इसे मैं ग्राइंडर में पाउडर बना लूँगी। ये भुना मसाला जो है वो आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं। आप कभी भी कोई सब्जी बनाते हैं, लास्ट में आप उसमें ये मसाला डालिएगा तो बहुत ही सब्जी यम्मी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मसाला अच्छे से मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में, और इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अब मैंने लिए रखा था जो लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, उसको भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी पेस्ट बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, पेस्ट बनकर रेडी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं मटर हमारे किस तरीके से पकने चाहिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मटर अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप उससे ही ये रेसिपी बनाएं, बहुत टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू डाला और उसको थोड़ा सा हम उसे भून लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। भूनने के बाद आलू को एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब मैं डाल रही हूँ उसी कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 जो हमने प्याज कट किया था बारीक कट, उसे हम इसमें डाल देंगे। आधा प्याज हमने उठा के रखा है, वो मैं आपको बताऊंगी किस लिए। से भुन चुके हैं। अब ये जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था पानी डाल के, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पर। अब हम 1 से 2 मिनट के बाद भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने कट किए हुए थे, वो भी हम इसको भून लेंगे कम से कम 1 मिनट के जितना। 1 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे धीमी आंच पर 2 मिनट के लगभग हम इसे पकाएंगे ताकि मसाले पर में से जो कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसको मसाले को हम अच्छे से और भूनेंगे जब तक ये पानी सोख नहीं लेता, साइड से तेल नहीं छोड़ देता, तब तक हम इसको मसाले को धीमी आंच पे तेज आंच पे करते हुए हम इसे मसाले को पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने आलू भून के रखे थे 1 प्लेट में, वो डाल देंगे और इसको फिर हम अच्छे से और 1 मिनट के जितना धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं भुन चुका है मसाला हमारा आलू डालने के बाद। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं मटर जो हमने बॉईल किए हुए थे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको खुले में ही कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें एक उबाल आ चुका है, बॉईल हो चुकी है ये सब्जी, और अब इसे हम इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और धीमी आंच पे, और छोड़ने के बाद ये बनकर रेडी है। अब हम इसको सर्विंग कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कच्चा प्याज जो हमने आधा कट किया हुआ था, उसे मैंने कट किया है और हम अब इसे डालेंगे इसके ऊपर। और अब डालेंगे हम भुना मसाला जो हमने दालचीनी, लाल मिर्च, तेज पत्ता वगैरह का जो हमने ग्राइंडर में मसाला भुना था, वो मसाला हम ऊपर से डालेंगे इस टाइम पे। और ये डालने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और बनके तैयार है घूघनी। ये आप चाहे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। आप अगर उसके साथ भी ना खाएं, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं चाट के तौर पे। तो ये थी गाइस आज की रेसिपी, आई होप अच्छी लगी होगी आपको। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी तरीके की रेसिपी लेकर, नई क्रिएटिविटी लेकर फिर से हाजिर रहूँगी मैं मुनमुन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।